साल 2019, आज दुनिया में करीब 7.7 अरब लोग अपने रोजमर्रा के जीवन को जी रहे हैं और हम मनुष्यों की संख्या में ये गिनती लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से समय के साथ साथ ब्रह्मांड और तेजी से फैल रही है, उसी तरह समय के साथ साथ धरती में ह्यूमन पॉपुलेशन यानी मनुष्यों की आबादी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। हम सभी मनुष्य इस छोटे से नीले ग्रह में रहते हैं, परंतु जिस तरह एक ग्लास में पानी भरने की एक कैपेसिटी यानी क्षमता होती है, क्या उसी प्रकार हमारे इस धरती की भी कोई कैपेसिटी है? और क्या होगा अगर ह्यूमन पॉपुलेशन धरती की कैपेसिटी को पार कर जाए? तो जानने के लिए वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हेलो गाइज, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। आपने पिछले साल आए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें थैनोस यूनिवर्स में लाइफ पॉपुलेशन तथा यूनिवर्स में मौजूद रिसोर्सेज के बीच एक बैलेंस बनाना चाहता था और इसीलिए वो पूरी दुनिया के हाफ पॉपुलेशन को मिटाना चाहता था, क्योंकि उसका होम प्लैनेट टाइटन ओवर पॉपुलेशन के कारण खत्म हो चुका था और वो पूरी दुनिया को इस खतरे से बचाना चाहता था। वेल, ये तो एक फिक्शनल स्टोरी थी, लेकिन क्या इस मूवी में जिस खतरे की बात की गई है वो सच है? अब आगे गौर से सुनना। साल 1804 तक पूरी दुनिया की आबादी थी महज 1 अरब, यानी जब से इंसानी सभ्यता का आरंभ हुआ था तब से लेकर सन 1804 तक यानी करीब 2 लाख साल में इंसानों की आबादी बढ़कर केवल 1 अरब तक ही पहुंची थी। और इसके ठीक करीब 100 सालों के बाद सन 1927 में ये आबादी बढ़कर सीधे 2 गुनी यानी 2 अरब हो गई। इसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ इतनी तेजी से बढ़ा कि महज 30 साल बाद साल 1959 में यह आबादी बढ़कर करीब 3 अरब हो गया। साल 1974 में 4, 1987 में 5, 1999 में 6 और 2011 में 7। आज साल 2019 में ये आंकड़े बढ़कर करीब 7.7 अरब, मोर प्रीसियसली कहा जाए तो मई 11, 2019 में मनुष्यों की आबादी थी करीब 7.62,21,06,064 और ये और तेजी से निरंतर बढ़ती ही जा रही है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि भला इससे हमें क्या दिक्कत है, हमारा घर तो अच्छे से ही चल रहा है और हमारी धरती में इतनी सारी जगह है जहाँ चाहो आराम से लोग रह सकते हैं, पैसे है तो खाने की भी कोई कमी नहीं और वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। लेकिन मेरे दोस्त, एक ग्लास की तरह ही धरती की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी से ज्यादा होने पर इसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी धरती की कैरिंग कैपेसिटी है करीब 16 अरब। जी हाँ, ये बस एक एस्टिमेट है जिसे धरती के सारे संसाधनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जिस तेजी से हम इंसानों की आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि साल 2050 आते आते ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़कर करीब 9.8 अरब हो जाएगी और साल 2100 तक ये आंकड़े 11.2 अरब तक चले जाएंगे। क्या आपको पता है इंडिया चाइना के बाद वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है? आज साल 2019 में भारत की जनसंख्या है करीब 135 करोड़ यानी 1.3 अरब और चाइना की जनसंख्या है करीब 142 करोड़ यानी 1.4 अरब। चाइना ने साल 1979 में चाइनाज पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को लागू किया था, जिससे यह भविष्य में अपने बढ़ती हुई जनसंख्या के ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर सके। इसके अंतर्गत चाइना ने अपने नागरिकों के लिए समय समय पर कई सारे फैमिली पॉलिसीज लाए, जैसे कि वन चाइल्ड पॉलिसी, डॉटर ओनली हाउसहोल्ड पॉलिसी। इन पॉलिसीज के भी खुद के गुण अवगुण थे। वर्तमान में चाइना में प्रत्येक परिवार को 2 बच्चे करने का अधिकार दिया गया है, ताकि इससे चाइना की पॉपुलेशन बैलेंस्ड रहे और इन पॉलिसीज के कारण चाइना के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में काफी कमी भी आई है। लेकिन हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जानकारों के मुताबिक साल 2024 तक इंडिया की जनसंख्या चाइना को भी पीछे छोड़ देगा और वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। इंडिया में धार्मिक और राजनीतिक अंधविश्वासों के कारण लोग बढ़ती हुई जनसंख्या के खतरों पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ धर्म के नाम पर लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो कि एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन अगर वक्त रहते इस जनसंख्या वृद्धि को काबू नहीं किया गया तो हम बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी यानी आबादी को पालने की क्षमता है मात्र 52 करोड़ 90 लाख, परंतु हमारा देश अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा आबादी को फोर्सफुली सह रहा है। यानी इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और इसी ओवर पॉपुलेशन के कारण इंडिया में रोजगार की कमी, भुखमरी, गरीबी जैसे हालात है। आपने देखा होगा इंडिया के कई इलाकों में पानी की कमी, खाने की कमी और इलेक्ट्रिसिटी की कमी की मार लोग रोजमर्रा झेल रहे हैं। ये सब इस कारण से क्योंकि जनसंख्या उपलब्ध रिसोर्सेज से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। पूरी दुनिया में प्रत्येक साल जनसंख्या में करीब 1.1% की बढ़ोतरी होती है। ये सुनने में बहुत ही कम लग रहा होगा, लेकिन 7.7 अरब का 1% भी काफी ज्यादा होता है।
द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी UNICEF के अनुसार पूरी दुनिया में प्रतिदिन करीब 360,000 न्यू बेबीज जन्म लेते हैं, यानी प्रति मिनट लगभग 250 नवजात बच्चे इस दुनिया में आते हैं, और वहीं प्रतिदिन करीब 151,600 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जो इस दुनिया में आता है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु हो ही जाती है, फिर भला जनसंख्या में इतनी तेजी से बढ़ोतरी क्यों हो रही है? आखिर इस बढ़ोतरी का क्या कारण है? क्यों सन 1804 से पहले दुनिया की आबादी बहुत कम थी और क्यों आज वर्तमान में आबादी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है? वेल, इसका मुख्य कारण है 19वीं सदी के आरंभिक दौर में हुए औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले राजाओं तथा शासकों का राज हुआ करता था। तब अधिकांश जनसंख्या गुलामों का जीवन जीते थे। गुलाम जिन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जाती थी, जो छोटे से जगहों में गंदगी भरा जीवन जीते थे, ना कोई दवा ना कोई इलाज, और इस वजह से तभी जन्म दर से ज्यादा मृत्यु दर हुआ करती थी। तभी औसतन हर परिवार में 6 बच्चे किए जाते थे, परंतु उनमें से केवल 2 ही युवावस्था तक जिंदा रह पाते थे। उस समय प्लेग जैसी महामारी पूरे के पूरे राज्य को एक झटके में खत्म कर देती थी, परंतु इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद लोग अब गुलाम नहीं बल्कि वर्कर्स बन रहे थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने लोगों के रहने के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव लाया। इंडस्ट्रीज के साथ साथ बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और इसी के साथ आया बेहतर मेडिकेशन, जो पॉपुलेशन में वृद्धि की सबसे बड़ी वजह बनी। अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज ने मृत्यु दर को तेजी से कम कर दिया। 16वीं से 19वीं शताब्दी तक यूरोप में लोगों की औसतन उम्र होती थी करीब 30 से 40 साल, परंतु आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोगों का औसतन आयु है तकरीबन 75 साल। इससे आप समझ सकते हो कि किस तरह से बेहतर दवाइयों, इलाजों और बेहतर एजुकेशन की वजह से लोगों की उम्र पिछले 200 सालों में कितनी बढ़ गई है। ये एक तरह से तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु चूंकि अब लोगों की जनसंख्या बेहद अधिक हो गई है तो इससे हमें कुछ खतरे भी हो रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से हमारे लिए अच्छा भी है। वो कैसे? अधिक लोग मतलब अधिक ताकत और अधिक दिमाग। इसी ताकत और दिमाग के बदौलत हम दिन प्रतिदिन और एडवांस भी बनते जा रहे हैं, लेकिन अगर हमने इस ग्रोथ रेट को थोड़ा कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन ऐसा जरूर आ जाएगा जब धरती के रिसोर्सेज भी हमारे लिए कम पड़ जाएंगे। तब क्या होगा? आप सोचिए, धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका है और 29% भाग भूमि यानी लैंड है। मतलब हमारे पास बहुत सारा पानी है ना? लेकिन इसमें से कितने प्रतिशत पानी हमारे उपयोग के लायक है? वेल, धरती में मौजूद पानी का करीब 96.5% समुद्रों तथा महासागरों में मौजूद खारा पानी है और केवल 2.5% फ्रेश वाटर यानी पीने लायक मीठा पानी है। उस 2.5% फ्रेश वाटर का 68.7% अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स में बर्फ के रूप में जमा है। 30.1% भौमजल यानी ग्राउंड वाटर के रूप में सतह के नीचे है और केवल 1.2% ही नदियों, झीलों, तालाबों तथा पहाड़ों में बर्फ के रूप में और एटमॉस्फेयर में जलवाष्प के रूप में मौजूद है। जो भौमजल सतह के नीचे है वो भी सारे इलाकों में मौजूद नहीं है, यानी हमारे पास उपयोग करने के लायक ज्यादा पानी नहीं है। मान लीजिए एक कमरे में 10 लोग हैं और केवल 5 लोगों के लिए ही खाना और पानी वहाँ मौजूद है, तो अब क्या होगा? या तो आधे लोगों को भूखा रहना होगा या फिर सारे लोग आधे आधे पेट खाकर अपना गुजारा करेंगे। लेकिन अब मान लीजिए कि उस कमरे में 10 लोग हैं, परंतु अब खाना और पानी महज 2 लोगों के लिए ही बचा है, तो अब क्या? अब सभी के बीच छीना झपटी और मारपीट शुरू हो जाएगी और जो सबसे ताकतवर होगा अंत में उसी का पेट भरेगा। जनसंख्या में वृद्धि हमारे लिए कुछ ऐसा ही खतरा ला सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? क्या थैनोस ने इससे बचने के लिए जो किया वो सही था? आधी आबादी को मिटा देना, क्या ये सही रास्ता है? वेल, अगर मेरे पास थैनोस की वो गॉन्टलेट होती तो मैं आधी दुनिया को मिटाने के बजाय धरती में मौजूद रिसोर्सेज को डबल करने की सोचता। जी हाँ, ताकि किसी को अपने परिजनों से दूर ना होना पड़े। वास्तविकता में तो हम ये एक चुटकी बजाकर नहीं कर सकते हैं, परंतु हम पूरी मानव सभ्यता बिना किसी भाषा, धर्म या देश के आधार पे भेदभाव किए एक साथ मिलकर अत्यधिक आबादी के खतरे को एक ढाल की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। हम दूसरे ग्रहों और चंद्रमाओं को टेराफॉर्म कर अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं और इस तरह हम अपने भविष्य को यानी मानव सभ्यता के भविष्य को और बेहतर और आधुनिक बना पाएंगे। परंतु ऐसा करने के लिए हमें जल्द ही कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन तब तक हमें भी अच्छे से सोच समझ कर फैमिली प्लानिंग करना चाहिए। खासकर हम भारत के लोगों को इस पर जोर देना होगा। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि मेरे अकेले के बदलने से क्या होगा, तो मेरे दोस्त एक एक करके ही ये पूरा देश बना है और आपका एक छोटा सा बदलाव भी हमारे और आपके तथा आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को बेहतर बना सकता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाकर फॉलो करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।